दोनों आपको अपने इस छोटे से बट बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी का एक ट्रिप कराएंगे एंड हम लोग कोशिश करेंगे आपको ट्रिप की बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कुछ ढेर सारे यहाँ पे फ्रूट्स की ट्रीज हैं और यहाँ पे कुछ करी लीव्स एंड फ्लावर्स एंड पेड़ पौधों की एक पूरी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस होल सोसाइटी लुक लाइक। ये एक थोड़ी पुरानी सोसाइटी, जैसा कि मैंने सुना है यहाँ के पुराने लोगों से दैट ये सोसाइटी 1996 में बन के तैयार हुई थी। और फिर हम यहाँ पे, मैं यहाँ 2 साल पहले आया और विश्वास कीजिएगा वी जस्ट लव लिविंग हियर। ये एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है एंड ये पाथवे है जहाँ पे हम शाम को हम सब वॉक करते हैं एंड आई वांट टू शो अस अराउंड। जैसे कि ये बैडमिंटन कोर्ट, बहुत ही जल्दी हम इसके अंदर एक नेट लगाने वाले हैं और मैंने बैडमिंटन ऑर्डर कर दिए है फ्लिपकार्ट से, फिर शाम को वी कैन प्ले बैडमिंटन हियर विद अ फैमिली। एंड कुछ और भी लोग रहते हैं सोसाइटी में मेरी जैसे फैमिली, जिनके आरव के जितने बड़े बच्चे हैं, सदर शाम को हम इस जगह पे बैडमिंटन खेल पाएंगे। तो ये सोसाइटी छोटे 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 विंग्स में बटी हुई है, जैसे कि 1 यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा एक रोटेशन के बाद ऐसे फाइनली हमारा ब्लॉक 12 ये 12 ब्लॉक में आके ख़त्म हो जाता है। हमारा जो ब्लॉक है वो ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का है। इनफैक्ट सारे ही यहाँ पे सारी ही जो सोसाइटीज ऐसी हैं, कुछ एक आखिरी ब्लॉक वहाँ पे है, मैं आई गेस 9 ए एंड बी, जो कि 1, 2, 3 थर्ड फ्लोर तक है। अगर दूसरे हिस्से की बात करें हम, तो इस सोसाइटी के दूसरे हिस्से में आप देख सकते हैं एक स्विमिंग पूल और एक छोटा स्विमिंग पूल जो कि बच्चों के लिए है। और इस सोसाइटी की सबसे जो ख़ास बात है वो है उसका एक बहुत ही छोटा सा जिमनेजियम, तो आप इस जिम का यूज़ कर पाएंगे। और एक दूसरा है काइंड ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट प्लस जिम का एक इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे है, जो अभी लॉकडाउन के चलते आई गेस बंद है। नाउ वी विल बी हेडिंग towards the parking section of the society. एक अच्छी बात है सोसाइटी के लिए कि यहाँ पे आप गाड़ियाँ कहीं भी नहीं खड़ी कर सकते, अपने अपने फ्लैट के पास आप गाड़ियाँ पार्क नहीं कर सकते, whether it is a bike or a car or something like that. But तो इस जगह पे आप अपनी अपनी मोटरसाइकिल्स, स्कूटीज, कार आप पार्क कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इससे आपकी व्हीकल्स और बाइक्स पूरे सोसाइटी में स्कैटर्ड नहीं रहेंगे। मेरी बाइक सर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 1 से शुरू होकर 12 तक ब्लॉक्स हैं। सो ये रहा 12वां ब्लॉक,
जो कि इत्तेफाक से एंट्रेंस के बाद सबसे पहला ही विंग है. एंड माई फ्लैट इज एट द ग्राउंड फ्लोर विच आई विल डेफिनेटली बी शोइंग यू. मैं आपको थोड़ी देर में अपने फ्लैट का लोकेशन दिखाने वाला हूँ. हम अपने सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो घुसते के साथ आप वन जिसकी मैं बात कर रहा था, आप इधर को टर्न होंगे और उस कार के सामने ही वन फर्स्ट ब्लॉक और फर्स्ट विंग के का एंट्रेंस है और 12 जो कि लास्ट विंग है उसका एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ. इत्तेफाक से और 40 सो एज यू कैन सी दिस आर गेट. सो फ्रेंड्स दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ छोटा सा ट्रिप मेरे सोसाइटी का विच इज इन गोवा कलंगुट. But this is not all and I will definitely be in touch with you all. मैं कोशिश करूँगा ढेर सारे ब्लॉग्स बनाने के लिए इसी जगह से जहाँ मैं कुछ या basically mostly I would say मैं food ब्लॉग्स करने वाला हूँ. आपको different recipes दिखाऊँगा बताऊँगा different cuisines. I know for some reason there were no blogs at all. आप लोग किसी कहते मैं कमेंट में देखता हूँ जहाँ पे आप हर बार पूछते हैं कि ब्लॉग्स नहीं आ रहे. वेरी ट्रू ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं और इसके कुछ टेक्निकल्स कुछ वेरियस रीजंस फॉर द नॉट आई एम नॉट डूइंग ब्लॉग्स. देयर आर वेरियस रीजंस. एक भी लॉकडाउन उसके ऊपर से मैंने कुछ इस बीच ट्रैवल भी किया अपने घर गया और फिर बहुत सारी चीज़ें थी. बट आई डेफिनेटली वॉन्ट नाउ टू बी वेरी रेगुलर. मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया था, मैंने एक लैपटॉप भी ऑर्डर करना है. इनफैक्ट कर भी दिया है, जल्दी वो लैपटॉप भी मेरे पास रहेगा और फिर हम हर हफ्ते एक या दो ब्लॉग के साथ आप लोगों से रूबरू होंगे. और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें और यूट्यूब पे भी आप कमेंट के अंदर छोड़ सकते हैं आप कैसे ब्लॉग देखना चाहते हैं. मैं अभी इस वीडियो के नीचे अपने इंस्टाग्राम फेसबुक और इनफैक्ट मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपसे शेयर करूँगा जिसमें मैं आपसे सेशन के लिए उम्मीद करूँगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी बी इन हाउस वियर मास्क वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एंड कीप वॉचिंग. बाय बाय टेक केयर.